आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एमसीजी यानी मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में पहला वनडे मुकाबला खेला गया। अब इन दोनों ही टीमों के बीच हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी कड़ी टक्कर दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान और क्लच प्लेयर पैट्रिक कमिंस ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को बता दिया और इसके साथ ही दुनिया के क्रिकेट फैंस को बता दिया कि क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया को जब 8 विकेट खो चुकी थी, वहाँ से उन्होंने 30 रन जब चाहिए थे, तो काफ़ी रूथलेस बॉलिंग करा रही थी पाकिस्तान की टीम, वहाँ से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिताया है। तो इस तरीके से पैट कमिंस की इस पारी की अगर बात की जाए तो काफ़ी कमाल की उनकी पारी थी। लेकिन मैच में क्या कुछ हुआ इसको एक बार अगर देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान की टीम के द्वारा बल्लेबाजी की गई, 203 रन पाकिस्तान की टीम के द्वारा बोर्ड पर लगाए गए। शुरुआत पाकिस्तान की टीम कुछ खास मिली नहीं, मिचेल स्टार्क ने शुरुआती ओवर में ही विकेट्स चटकाना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबर आजम पर कई लोगों की निगाहें थी और बाबर आजम को शुरुआत अच्छी मिली, लेकिन उस पारी को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एडम जेम्पा की गेंद पर 37 रनों पर आउट हो गए। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 44 रनों की एक शानदार पारी खेलने की कोशिश की और फिर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का स्ट्रगल करता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद अंत में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के द्वारा पाकिस्तान की टीम को एक सेफ स्कोर तक पहुंचाया गया और इस तरीके से पाकिस्तान की टीम 203 रनों पर पहुंच गई। इसके बाद जब पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी करने के लिए पहुंची तो वहां से पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा रूथलेस नज़र आ रही थी। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह सभी बहुत अच्छी तरीके से अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे थे। इवन हारिस रौफ ने भी काफ़ी कमाल की गेंदबाजी वहाँ पर की। अब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को एक के बाद एक करके बाहर भेजना शुरू किया। इसके बाद स्टीव स्मिथ और एक और बल्लेबाज हैं जिनके बीच में साझेदारी होती है, स्टीव स्मिथ अच्छी पारी खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम फंस जाती है। अंत में आते आते जॉश इंग्लिश ने 49 रन बनाए, तो उनकी भी पारी की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली यहाँ पर। इसके अलावा अगर नीचे देखा जाए तो जब ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क बचे हुए थे, 30 रन वहां पर चाहिए थे, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रौफ काफ़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पैट कमिंस ने वहां से मुकाबला निकाल कर ऑस्ट्रेलिया की झोली पर डाल दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे वनडे में क्या पाकिस्तान की टीम वापसी कर पाती है या नहीं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि पैट कमिंस की पारी किस तरीके से आपको लगी है। ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खबर में इतना ही, स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।